हेलो एवरीवन, सत श्रीकाल जी। पंजाबी किचन में आपका स्वागत है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी में के मौसम में आम का फल है वो आता है और उससे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि मैंगो शेक, आम पापड़, जैसे आम पन्ना। आप मैंगो से बहुत सारी डिशेस बनती हैं। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ आम पन्ना, जो कि होम मेड शरबत है, जिसे आप कभी भी अपने फ्रिज में स्टोर करके रखिए और जब आपका पीने का मन करता है तब आप उसको यूज़ कर सकते हो। उसके लिए मैंने क्या लिया है, ये देखिए, मैंने 1 kg कच्चे आम लिए हैं, बिल्कुल कच्चे। और उसके अलावा ये मैंने 1 बड़ा चम्मच भुना हुआ जीरा लिया है, 1/2 चम्मच काली मिर्च ली है, 1 बड़ा चम्मच मैंने काला नमक लिया है और 1.5 सॉल्ट लिया है, खाने वाला सफ़ेद नमक। मैं 1.5 मेरा खाती हूँ, आप उसे कम खाते हो तो आप कम ले सकते हो। ये 1 छोटा चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर लिया है और ये 1/2 कटोरी या 2 बड़े स्पून मैंने शुगर लिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, आमों को जे आपको इसको छिलके के साथ भी डाल सकते हो, क्योंकि छिलका है जो बाद में आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं क्या करूँगी, इसका छिलका छील के इसको काट के फिर इसको बॉयल करूँगी। अब मैं सभी आमों को ऐसे ही इसका छिलका काट के काट लूँगी। ये लीजिए, मैंने सारे आम चीर लिए हैं। ये कच पके आम हैं, कुछ बीच में थोड़ा सा पके हैं, कुछ कच्चे हैं, लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इनका जो टेस्ट है वो खट्टा मीठा होगा। ये देखिए, मैंने सभी के पीसेस कर लिए हैं और इसकी जो गुठली है वो बाहर निकाल दी है। अब मैं इनको ऐसे ही फ्राई पैन में डाल दूँगी। मैंने फ्राई पैन गैस ऑन कर दिया है और फ्राई पैन चढ़ा दिया था। ये देखिए, अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। ये देखिए, पानी आपको इतना डालना है कि ये सारे आम उसमें अच्छी तरह डिप हो जाएं, इतना पानी आपको डालना है। 1/2 इंच इनके ऊपर पानी होना चाहिए। ये देखिए, ये हमारे आम है। अभी इसको एक बॉयल आने दो, उनके बाद हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। ये देखिए, हमारे पानी जो है वो गर्म हो चुका है। अब इसमें वाल आना आप देख सकते हो, उसमें बुलबुले शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। ये देखिए, मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि 1/2 चम्मच मैंने काली मिर्च लिया है और 1 बड़ा चम्मच मैंने ब्लैक सॉल्ट दिया है। अब वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसी के साथ ही ये 1.5 मैंने सफ़ेद वाला नमक लिया है और 1 छोटा ये रेड चिली पाउडर का चम्मच लिया है, इसको भी मैं ऐसे ही ऐड कर दूँगी इसके बीच में। और ये भुना हुआ जीरा लिया है 1 चम्मच, मैं ये भी इसके बीच में ऐड कर दूँगी। ये शुगर ली है मैंने 2 बड़े स्पून भी बड़े वाले, वो भी मैं इसके साथ ही ऐड कर दूँगी। अब मैं इन सबको 20-25 मिनट के लिए आम को बॉयल उबालूँगी, ताकि जो इसका पल्प है वो अच्छी तरह पानी में मिक्स हो जाए। आपको इसको कम से कम 20-25 मिनट बॉयल करना है, अगर उससे पहले भी आपको चेक करते रहना है। आपको इसकी जो आंच है, जब एक बार इसमें पूरा उबाल आ जाए तो मीडियम करनी है और बीच बीच में चेक करते रहना है। अगर आपका आम 10-15 मिनट में पक जाते हैं तो ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट इसको 20 या 25 मिनट लगते हैं। अब मैं इसको पहले बॉयल करूँगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारे आमों को पकते हुए 25 मिनट हो चुके हैं। मेरा इनको पकने में 25 मिनट लगे हैं। अगर आपके जल्दी हो जाते हैं तो आप तो ठीक है, लेकिन इसको 25 मिनट ही लगते हैं। ये देखिए, जो इसकी प्यूरी है वो भी थोड़ी थिक हो गई है और जो आम है वो पक चुके हैं। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी और इसको पूरी तरह ठंडा होने दूँगी। ये देखिए, हमारा जो आम का पल्प है वो ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें को उठा के इस मिक्सी जार में डाल दूँगी और इसका एक फाइन पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए, मिक्सिंग जार में ग्राइंड करने के बाद ये देखिए हमारे आम का पल्प और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं इसको इसके बीच में निकाल लूँगी। ये देखिए, हमारा जो आम का पल्प है वो बन के रेडी है। ये देखिए, इसकी थिकनेस देखिए। आपको भी ऐसे ही बनाना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। अब मैं इसको आपको इसकी ड्रिंकिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, आप कितना पीना पसंद करते हो। ये देखिए, मैंने इसमें 3, ये छोटा चम्मच है मेरे पास, आपके पास बड़ा चम्मच होगा आप 2 डालिए। ये देखिए, मैंने इसमें 3 चम्मच डाल दिए हैं। अब मैं ये थोड़ा सा मेरे पास पुदीना है, ये इसी के साथ बीच में डाल दूँगी मैं और इसी के साथ ही ये मैं आइस क्यूब डाल दूँगी। अब मैं चिल्ड पानी डाल दूँगी इसमें, बिल्कुल ठंडा पानी डाल रही हूँ। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इसमें और पानी ऐड कर दूंगी थोड़ा सा।
ये देखिए हमारा टेस्टी एंड यम्मी स्पाइसी आम पन्ना बन के रेडी है। अगर आपको मेरी ये आम पन्ना की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे पंजाबी किचन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट कर करके बताइए कि आपको मेरी ये आम पन्ना की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।